हेलो स्टूडेंट्स सो माय नेम इज़ ओवेस एंड आई विल टेक यू थ्रू द कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन ऑफ ओ आई आर ऑफ द पार्ट ऑफ एसएसबी सो जैसा कि आप लोग सब एस्पिरेंट्स हैं एनडीए के या फिर आप डिफेंस में अपना करियर चुनना चाहते हैं एंड यू हैव टू गो थ्रू एसएसबी प्रोसेस और एस का जो पहला दिन है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको स्क्रीनिंग कहा जाता है और उस स्क्रीनिंग वाले uh, फेज के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका ओ आई आर ठीक है ये एक रीजनिंग टेस्ट है बेसिकली आपकी आईक्यू जानने के लिए इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है बट इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा टिल दी एंड बिकॉज इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आज मैं आपको एटलीस्ट आठ से नौ uh, अलग अलग तरह के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो आते हैं जो देखे गए हैं वो आई टेस्ट के अंदर वो मैं आज आपको कवर करूंगा इसके अंदर तो एंड तक जुड़े रहिएगा इस वीडियो में तो बात करते हैं कोडिंग की कोडिंग एक्चुअली है क्या डिकोडिंग एक्चुअली है क्या सो एल्फाबेट्स बेसिकली क्या है कि जब डिफेंस की हम बात करते हैं तो एल्फाबेट्स को नॉर्मल वे में नहीं प्रेजेंट करते फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज ओवेस ओ डब्ल्यू ए आई एस सो मैं ओ की जगह अगर कोई और लेटर यूज करूं डब्ल्यू की जगह कोई और लेटर यूज करूं ए की जगह कोई दूसरा लेटर यूज करूं सो so, इसी को हम कोडिंग कहते हैं जिससे जब मैं वो नाम लिखूं उस पर्टिकुलर भाषा में तो वो सामने वाले को समझ ना आए इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कोडिंग और इसका विपरीत कहलाता है डिकोडिंग मतलब कि वो जो हमारा कोडेड फॉर्म ऑफ वर्ड था उसको अगर हम वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में बदलते हैं उसको हम कहते हैं डिकोडिंग सो so, इसी चीज को आज हम देखेंगे कि इसको करना कैसे है सो so, आइए बच्चों शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के साथ में सो so, यहां पे आप देख रहे हैं अल्फाबेट्स आज हमें इन्हीं अल्फाबेट्स के लिए ही सारी चीजें कर रहे हैं ये जो वीडियो है आपकी ये इन अल्फाबेट्स के ही चारों तरफ घूमने वाली है सो देखिए यहां पे अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक हम सबको पता है कि ये 26 सिक्स एल्फाबेट्स होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज अभी हमने बात करी कोडिंग होती कैसे है कि मैंने एक अल्फाबेट सपोज एफ है उसको मैंने मान लिया कि अगर उसको मैं एम बना देता हूं Okay, एक अल्फाबेट जी है उसको मैंने मान लिया उसको मैं एन बना देता हूं तो इस तरीके से हमारी कोडिंग काम करती है ठीक है अब कहीं पे अगर कुछ नाम लिखा है तो उसको मैं अल्फाबेट uh, के तरीके से नहीं बता सकता कि उसमें कितना गैप है ठीक है जैसे कि अगर F I S H फिश एक वर्ड है और उसका कोड दिया हुआ है M K L S कुछ भी रैंडमली मैं बोल रहा हूं इसमें सेट पैटर्न नहीं है कुछ बट अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप कैसे इसे देखेंगे कैसे एनालाइज करेंगे कि f की जगह मैंने m यूज किया तो यानी f को हमने कोड किया किससे m से तो ये एक पैटर्न है तो हम ये देखेंगे f के और m के बीच में कितना गैप है अब जनरली क्या होगा कि अगर आप a b c d के थ्रू जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा काउंट करना पड़ेगा फिंडर्स में ठीक है f के बाद g h i j ऐसे करके आप m तक जाएंगे और फिर काउंट करेंगे 13 हो गए बट अल्फाबेट कोडिंग अगर इस तरीके से करोगे इट विल टेक टाइम एंड यू डोंट हैव टाइम इन सो आपको एक कुछ ऐसी टेक्निक देखनी पड़ेगी जो आपको इजी बनाए इन चीजों को एंड दैट इज नंबर्स अब इसी एग्जांपल को अगर मैं आपको बोलूं कि एफ अगर सिक्स है एफ का कोड और एम का कोड क्या है थर्टीन है तो आपको इसके बीच में डिफरेंस कितना है

अभी आपको ये चीजें लग रही होंगी सर ने तो रट के आए हैं सर तो इस वीडियो के लिए प्रिपेयर होकर आए होंगे या पहले से पढ़ा रहे हैं तो इतना कुछ है बट दिस इज एज सिंपल आप थोड़ा सा इसको अगर मेरे साथ में करेंगे इसके कुछ टेक्निक्स हम याद रखेंगे कुछ फनी भी होंगी कुछ एंटरटेनिंग भी होंगी बट दैट इज द वे टू लर्न ओके सो लेट स्टार्ट तो हम बेसिकली अब इनके कोड्स देखेंगे हमें सबको पता है कि ए है बी है सी है डी है ई है एंड सो ऑन जेड क्या है ट्वेंटी है बट अभी हम इसको कुछ ऐसा याद करेंगे कि मुझसे कोई भी पूछे रैंडमली कि का कोड क्या है है तो मैं बता सकूं इट इट 17 ठीक सो हाउ डन इसको याद करने के कुछ तरीके हैं लेट स्टार्ट विद इट तो मैं कुछ लेटर्स बीच बीच में से रैंडमली उठाऊंगा क्योंकि देखो सीरीज से चलेंगे तो इट्स नो पॉइंट ऐसे तो कोई भी जाके कई सारे आपको जो टीचर्स हैं ऑनलाइन वो आपको ये बताएंगे कि आप इसको पूरी टेबल लिख लो और वन टू थ्री फोर ऐसा कर लो बट इतना टाइम आपके पास है ओ आर में नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं टाइम जरा सा होता है बिल्कुल ठीक है तो अगर ये आप एक दो बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे अगर आ, मेरे ख्याल से आप दस दिन तक इसे बना के प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपकी यूजफुल रहेगी नॉट ओनली फॉर ओ बट आगे जाके आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एग्जाम दोगे चाहे वो एफ कैट दोगे चाहे वो वाई ग्रुप दोगे फोर्स का या फिर आप बैंक SSC के भी एग्जाम देते हो तो भी अकॉर्डिंग डिकॉर्डिंग काम आएगी उसमें तो कोई भी नॉलेज जो होती है वो व्यर्थ नहीं होती है इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम ठीक है सो जस्ट ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को सो विल स्टार्ट नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव नाउ जी ओके सो जी हम कैसे बनाते हैं जनरली जी हम ऐसे बनाते हैं बच्चों तो जी के इसमें यहां पे दिख रहा है आपको क्या बनाया हमने सेवन तो जी का कोड क्या होता है सेवन होता है ये हम इस तरीके से याद कर लेंगे इससे मिलता जुलता अक्षर है क्यू तो क्यू को अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो यहां भी कुछ ऐसा बनता है बनता है यहां भी एक सेवन बनता है तो क्यू का कोड हम याद रख लेते हैं कैसे सेवनटीन से याद रख लेते हैं इतनी बात क्लियर हुई बच्चों आगे चलते हैं किसी और अल्फाबेट पे नाउ एम पे आते हैं अगर एम को मैं थोड़ा सा इधर 90 डिग्री घुमा दू मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मैं घुमा दू, तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कुछ ऐसा थ्री बन जाएगा अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है और इसके आगे हम क्या कर देंगे वन लगा देंगे तो एम का कोड क्या हो जाएगा थर्टीन तो मुझे देख के याद आना चाहिए कि एम का कोड क्या होता है थर्टीन होता है सिमिलरली डब्ल्यू को अगर मैं इस तरफ घुमा दू मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दू तो ये भी क्या बन जाएगा थ्री और डब्ल्यू में मैं क्या लगा दूंगा टू लगा दूंगा तो डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ट्वेंटी थ्री हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ आई अभी तक ओके अगले लेटर पे चलते हैं एच अगर मैं ऐसा बनाता हूं और इसको मैं ऊपर से और नीचे से ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या फिगर दिख रही है हमको एट तो एच का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा राइट right? अभी समझ आ रही है बीच-बीच में उठाऊंगा मैं। से से, होंगे मेरे ख्याल से. तो cricket lovers के लिए के एक IPL आपने सुना होगा या T20 गेम सुना होगा, तो T20. तो टी ट्वेंटी सीधे बच्चों तो टी का जो हमारा कोड है सबको याद रहना चाहिए कहीं अल्फाबेट आए और उसमें आपको टी दिखेगा तो आप क्या लिखेंगे उसका कोड ट्वेंटी ऑल राइट टी so, ट्वेंटी जो हमारा क्रिकेट है उसके अंदर एक टीम होती थी किंग्स इलेवन पंजाब तो के फॉर किंग एंड के फॉर इलेवन किंग्स इलेवन पंजाब से आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है आगे भी देखेंगे बहुत मजेदार तरीके हैं इनको याद रखने के आई आई बच्चों बहुत सारे लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़े होंगे जो थोड़ा सा आ, आ, आपके जो आई बोर्ड के स्कूल्स हैं जनरली या बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इस तरह का आपको कर्सिव राइटिंग पढ़ाते थे और आई कुछ ऐसे बनाते थे इट तो जब आई ऐसे बनता है तो ये शेप क्या दिखती है हमको नाइन और आई का कोड क्या हो जाता है बच्चों हो जाता है है ठीक एक और बड़ा फनीसा है देखो uh, हम कैसे भी याद रख सकते हैं किसी की अगर गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है है ज्योति ठीक तो इसको हम कोड कैसे दे सकते हैं जे इजन ओ इज इलेवन टी ट्वेंटी हमें वाई पता ही है एंड वाई इज हाउ मच ट्वेंटी हर में पांच पांच का गैप करके दस पंद्रह बीस पच्चीस ठीक है जे ओ टी वाई जे का कोड कितना टेन ओ का कोड कितना पंद्रह बस ये दो तो याद रखना है क्योंकि टी का हमें पता है ऑलरेडी टू है ट्वेंटी है ठीक है टी ट्वेंटी से और वाई का कोड क्या है पच्चीस है वाई का कोड कैसे पता है क्योंकि ये सेकंड लास्ट अक्षर है हमारा ठीक है लास्ट अक्षर का सब याद रख सकते हैं कितना होता है ट्वेंटी सिक्स पहले अक्षर का सब याद रख सकते हैं ए का कितना है वन बी का कितना है टू सी का कितना है थ्री डी का कितना है फोर ये सब तो आपको याद रहेंगे पहले पांच तो ई e को तो आप ऐसे ही याद रख सकते हो ई e तक तो है ना वन टू थ्री फोर फाइव बट बाकी अक्षर के साथ होती है, है? But वो भी हम सीख रहे कुछ ऐसा दिख रहा है अगर मैं ऐसे बना दू तो ये घड़ी बन जाएगी और ये घड़ी बन जाएगी तो इसका ऊपर वाला काटा क्या हो जाता है बच्चों हमारा ट्वेल्व हो जाता है तो ये सिर्फ याद करने के तरीके हैं ये कोई पैटर्न या कोई तरकीब नहीं है ठीक है यह है सिर्फ एक याद करने का तरीका आप हो सकता है अपना कुछ नया निकाल लें बट इस वे में बहुत सारे लेटर्स याद हो सकते हैं आपके ठीक है नाउ पी पी का कोड हम कैसे बनाएंगे पी का अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो यह भी क्वेश्चन आते हैं आपके में मिरर इमेज के वाटर इमेज के ठीक है तो पी का अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो यह कुछ इस तरह का बन जाता है एंड दिस लेटर इज वॉट अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो दिस इज वॉट सिक्स और इसमें आगे लगा देंगे वन तो यह क्या बन जाएगा सिक्सटीन तो P का कोड क्या आ जाता है हमारे निकल के सिक्सटीन आ जाता है ठीक है बात करते हैं N नवंबर अब नवंबर जो महीना है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और वो बच्चों आपके लिए है फोर्टीन तो 14, क्योंकि चौदह 14 नवंबर को ही क्या होता है हमारा चिल्ड्रंस डे होता है राइट right? अभी तक हमने काफी सारे लेटर्स कवर कर लिए हैं आते हैं एस पे एस को अगर मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करूं तो ये क्या शेप बन गई कौन सा लेटर बन गया कौन सा नंबर बन गया ये Nine. और आगे one लगा देंगे तो इसका कोड क्या बन जाएगा? 19. Right? तो क्या बन जाएगा तो एस का कोड क्या जाता है 19. देखो ये आप प्रैक्टिस करोगे एक बार अपने आप जब लिखोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी मुझे कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप दोबारा इस वीडियो को वापस प्ले करके देख सकते हो टू नो हाउ वी हैव लर्न दीज थिंग्स ठीक है आते हैं वापस अब एट पे आर पे सॉरी सो so, आर का जैसे हमने एच का बनाया था आर को भी वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं अगर मैं आर को इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या बन गया एट इसके आगे लगा देंगे हम वन तो आर का कोड क्या बन जाता है एटीन वी वी और विक्ट्री से और वी में मैं देखो यहां पे क्या दिखाया आपको दो उंगलियां दिखाई है तो वी का जो कोड हो जाता है वो क्या हो जाता है टू और टू ठीक है सिमिलरली यू यू का कोड क्या बन जाता है यू फॉर यूनिक यूनिक मतलब एक लौता. और ऊपर दिख रहे हैं आपको दो पॉइंट्स तो इसका कोड क्या बन जाता है दो पॉइंट्स और इकलौता ट्वेंटी वन तो ये याद करने के तरीके थे बच्चों को छूट तो नहीं गया है अभी एक्स छूट गया है एक्स का भी कोड बहुत इजी है कितनी लाइनें हैं दो लाइनें और कितने पॉइंट्स हैं कितने कॉर्नर्स हैं चार कॉर्नर्स तो एक्स का कोड क्या हो जाता है 24. या किसी को याद रहे तो थर्ड लास्ट लेटर है चौबीस होगा इसका इतनी बात समझ आई सबको अभी हमने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए है एक एफ रह गया है एफ का कोड होता है क्या सिक्स अब इसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं कोई राइम के साथ कर लेता है एफ फॉर फिक्स मतलब सिक्स या फिर कोई इसकी भी मिरर इमेज बना लेता है तो ये कुछ इस तरीके से आती है और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका सिक्स आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं तो इसका हमारा यूजेज कैसे आएगा वो अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे बट अभी फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं तो so, यहां पे अब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अपना टाइप वन क्वेश्चन तो टाइप वन क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको एक पहले कोड और उसका एक वर्ड और उसका कोड दिया होगा और सेकेंड आपको कोड या फिर वर्ड दिया होगा उसका आपको कोड निकालना होगा या फिर अगर कोड दिया होगा तो उसका आपको वर्ड निकालना होगा कि ओरिजिनल वर्ड क्या था तो so, सपोज यहां पे दिया है इन्होंने क्या कोविड सी ओ वीई टी कोविड और इसका बोला है कि कोवेट अगर एक वर्ड है तो इसको हमने कोड करके क्या बना दिया है एफ आर वाई एच डब्ल्यू ये बना दिया है तो अब इसका मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है इसका लॉजिक जानने का कि इसका लॉजिक क्या होगा तो इसका लॉजिक क्या होगा पहले हम इसमें क्या करेंगे कोडिंग से करेंगे तो जल्दी से इनके कोड्स लिख लेंगे जैसे हमने याद करें हैं तो सी का कोड क्या है बच्चों सी का कोड है थ्री हमें पता है थर्ड अक्षर है ये हमारी अल्फाबेट का का कोड ज्योति से हमने याद किया था और वो सेकंड आता था इसका हमने क्या करा था पांच पांच का डिफरेंस दस पंद्रह बीस पच्चीस ठीक है ज्योति में जो जाते चारों वी का विक्ट्री से मैंने आपको बताया था e का पांचवा लेटर है तो फाइव टी टी ट्वेंटी कप से हमने याद रखा था नाउ सिमिलरली हम एफ आर वाई एच डब्ल्यू के लिख लेंगे एफ का फिक्स से सिक्स या फिर आप जैसे भी याद रखें आर का था अठारह अगर याद हो हमने ऐसे बताया था नीचे से जोड़ के वन लगा देंगे अट्ठारह वाई Y, है, 25 होगा नहीं तो कितना बन जाएगा थ्री बन, तो बन, बन जाएगा और इसके आगे टू लगा देंगे ट्वेंटी थ्री तो आप देखो तीन से छह बना पंद्रह से अठारह बना बाईस से पच्चीस बना पांच से आठ बना और बीस से तेईस बना कितना डिफरेंस यानी कि यहां से यहां में क्या हुआ इस कोड में प्लस थ्री एड हो गया तो प्लस थ्री ही मुझे एड करना है अब इन्होंने क्या दिया है एस एच डी यू ओ तो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले इंपॉर्टेंट क्या है वर्ड वुड बी एज दिस मतलब आपको पहले उसको कोड करके दिया हुआ है आपको बताना है ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल क्या होगा वर्ड ठीक है सो so हमें अब क्या करना है एस एच डी यू ओ ये हमारा वर्ड है और इस वर्ड को हमें क्या करना है इसका ओरिजिनल बनाना है ये हमारा कोड है इसका ओरिजिनल वर्ड बनाना है तो इसके हम लेटर्स लिख लेंगे कितना एच का कितना एट डी का कितना फोर यू का कितना यूनिक से ट्वेंटी वन और ओ का कितना पंद्रह अब हमारा जो लॉजिक था वो क्या था बच्चों प्लस थ्री हो रहा था लेकिन ये हमें कोडेड फॉर्म में दिया है तो इसका ओरिजिनल बनाया तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस थ्री करना पड़ेगा तो उन्नीस में से तीन घटाओ क्या बनेगा सोलह बनेगा आठ में से तीन घटाओ क्या बनेगा पांच बनेगा चार में से तीन घटा के एक बनेगा इक्कीस में से तीन घटा के कितना बनेगा बच्चों तो इक्कीस में से तीन तो कितना बनेगा अट्ठारह बन जाएगा पंद्रह में से तीन घटाओगे तो क्या बन जाएगा बारह बन जाएगा अब मुझे करना कुछ नहीं है इनके सारे एल्बोबेट लिख देने हैं मतलब P, 5 मतलब e, I, uh, मतलब A, 18 मतलब पी ई आई ए क्या याद करो याद करो आर बनता है एटीन तो आर और ट्वेल्व मतलब एल तो so इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया पर्ल यानी पर्ल एक वर्ड है जिसको अगर मैं कोड करूं इसी पर्टिकुलर पैटर्न में तो क्या बनेगा एस एच डी यू राइट oh. right, बच्चों समझ आई ये बात आपको समझ आई तो आगे बढ़े ठीक है so, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन uh, पे तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एंड यहां पे आप स्क्रीन को पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कमेंट में आंसर लिखेंगे ऑल राइट right. टाइप टू क्वेश्चन जो है हमारे आप देख रहे होंगे इसमें क्या होता है इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट मतलब जो letter आपके इस word के अंदर है, इनको हम इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ठीक -E -E, है यानी इसमें ऑब्जर्व कैसे करना है क्वेश्चन को कि इसमें जो लेटर्स यूज करे हैं वही लेटर्स आगे भी हैं सिर्फ उनकी क्या है पोजीशन बदली है तो हम यह देखेंगे पहला लेटर जो है उसकी पोजीशन क्या है <coughs> हाँ जी पहला लेटर जो है उसकी पोजीशन क्या है हमारी कोई चेंज नहीं हुई ई जो था ये ये कहीं और चेंज होके चला गया और लास्ट लेटर जो है वो ई का ई एज इट इज रहा ठीक है यानी हमारा पहली क्या हमने इसमें लॉजिक लगाया कि पहला और आखिरी लेटर जो है वो अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट है बाकी ई का क्या हुआ ई यहां पे शिफ्ट हो गया मतलब पहले सेकंड पोजीशन पे था अब कहा हो गया फोर्थ पोजीशन पे पहले सेकंड पोजीशन पे था अब कहा गया फोर्थ पोजीशन पे है अब कहा था ओ फोर्थ पोजीशन पे था, कहां पे. O था o पे ये कहां चला गया सेकंड पोजिशन पे और टी हमारा जो कि फिफ्थ पोजिशन पे था वो कहां चला गया थर्ड पोजिशन पे ठीक है इज इट लुकिंग गुड सो अब हमें क्या करना है पिकनिक को कोड करना है पी आई सी एन आई सी इसको मुझे कोड करना है तो so वही लॉजिक अप्लाई करेंगे पहला और आखिरी सेम रहेगा तो पहला और आखिरी सेम रहेगा सेकंड जो था वो कहां चला गया था चौथी पोजीशन पे तो सेकंड पे आई है चौथी पोजीशन इस वर्ड की क्या है एन तो यहां पे क्या चला जाएगा आई चला जाएगा बच्चों थर्ड जो था वो थर्ड कहां जा रहा था हमारा एम पांचवी पोजीशन पे यानी सी कहां चला जाएगा इसके बाद चला जाएगा पांचवी पोजीशन पे चौथा ओ जो था वो कहा जा रहा था हमारा सेकंड पोजीशन पे तो जो हमारा फोर्थ uh, वर्ड है एन ये कहा चला जाएगा सेकंड पोजीशन पे और आई जो फास्ट है लास्ट uh, में है पांचवी पोजीशन पे वो कहां चला जाएगा इस वाली पोजिशन पे आपकी फिफ्थ फिफ्थ पोजिशन पे सॉरी ओके थर्ड पोजिशन पे सो दिस इज हाउ द रीअरेंजमेंट क्वेश्चन आर डन इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कई बार क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में दो दो के पेयर में चल रहा होगा ठीक है मतलब आर ई जो था वो हो सकता है लास्ट में चले जाएं दोनों इकट्ठे ऐसी MO जो है वो उससे पहले आ जाए ऐसी टी जो है वो सबसे पहले आ जाए तो ये कुछ भी रे कर सकता है क्वेश्चन फॉर्म करने वाला जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो किसी भी तरीके से कर सकता है आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है ये बेसिकली जो टेस्ट है बच्चों ओ आई आर ये आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड है कि अगर आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं आप डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल अच्छा होना चाहिए उसी को टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट डिजाइन करे हुए है। right, हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपकी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पर वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करेंगे एंड देन वील कम बैक ओके Now, तो ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा दिया रहेगा कि इसके अंदर आपको एक num, एक अल्फाबेट वर्ड दिया रहेगा और उसका कोड होगा वो नंबर्स में होगा ठीक है तो ये जो थर्ड टाइप का पहला टाइप है थर्ड का भी सब टाइप कह लो ये क्या है इसमें आपको जैसे अर्थ दिया है उसका एक कुछ कोड दिया है पेल दिया है उसका कुछ कोड दिया है और आपको पर्ल का बताना है अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है बच्चों इसमें ऑब्जर्व ये करना है हमको कि ये जो पर्ल है इसमें हमें देखना है कि क्या ये जो लेटर्स हैं ये इन दोनों में से ही आए हैं यस yes, अगर ऐसा आए हैं तो सिंपल क्या लॉजिक है कि जो इनके कोड्स हैं वो सब हम इकट्ठे करके यहां पे लिख देंगे ठीक है बात समझ आ रही है जैसे कि P इज टू A इज वन L इज थ्री E इज फोर इस तरीके से हमें पता है तो हमें पल के निकालने हैं। तो P का कोड क्या है टू है E का कोड क्या है तो E चौथा है E इज फोर ए का कोड क्या है ए का कोड है वन ठीक है अब आर का बताना है हमें आर का कोड क्या है आर हमें अर्थ में से मिलेगा तीसरा है यहां से तीसरा देखेंगे क्या है फाइव और एल का बताना है एल इसमें आ रहा है पर्ल पेल में तो एल थर्ड है तो इसका क्या हो जाएगा ये और यही आपका आंसर है तो ये आपका पर्ल का कोड बन गया तो ऑब्जर्व देखा आपने क्या किया इसमें ऑब्जर्व किया कि ये जो वर्ड था जो हमें आंसर निकालना था क्या ये इन दोनों में से बन रहा है अगर बन रहा है तो सीधे सीधे हम उसको कोरिलेट कर लेंगे ठीक है बच्चो ऑल सो right. so, अगले क्वेश्चन पे आते हैं सो दिस इज टाइप थ्री क्वेश्चन ये आपका देखो इसमें रोज का कोड दिया है सिक्स एट टू वन चेयर का कोड दिया है सेवन फोर सेवन थ्री फोर फाइव सिक्स प्रीच का कोड दिया है ये व्हाट विल बी द कोड फॉर सर्च तो अब देखो बच्चों जो मैंने आपको बोला क्या सर्च जो हमारा वर्ड है वो इन सब में से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है जितने दिए हैं और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बन पा रहा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आंसर फोर so, सो so, ये टाइप फोर क्वेश्चन अब इसमें आते हैं हम ब्लीच ठीक है अब ये आपका क्या है अगेन आपने कोड ऐसा किया कुछ नुमेरिक फॉर्म में नुमेरिक फॉर्म में कोड किया तो अब थोड़ा लॉजिकल आ गया देखो ठीक है अभी तक क्या था वो हम मैपिंग कर रहे थे पिछले टाइप वाले में इसमें ब्लीच को उसने लिख दिया थर्टी वन यानी कि ब्लीच में तो देखो कितने लेटर्स हैं छ लेटर्स हैं लेकिन कोड क्या है थर्टी वन रैट में तीन लेटर्स है कोड क्या है थर्टी नाइन भाई ये कैसे हुआ अब ये कैसे हुआ इसको हम अगेन हमें वो जो नंबर हमने याद करे थे वो याद है तो चीजें आसान हो जाएंगी मैं सबके कोड्स लिख लूंगा यहां पे तो सबसे पहले कोड से शुरुआत करते हैं बी का कोड क्या है सेकेंड अक्षर टू एल का कोड क्या है एल ट्वेल्थ से हमने याद रखा था ई e का कोड क्या है ई e का कोड है फाइव ए का कोड क्या है वन सी का कोड क्या है थ्री एच का कोड क्या है एट अब देखो मेरी स्पीड इसलिए है क्योंकि मैंने इसे बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी किया है और मैं पढ़ाता भी रहता हूं तो अब बन गई आदत लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल आदत नहीं है आप एक बार इसको खुद आंखें बंद करके मतलब आखें बंद खोल के अपने दिमाग आ, से जब सोचेंगे तब आप ये याद कर लेंगे रैंडमली अल्फाबेट्स आप याद करेंगे जो लॉजिक मैंने बताया ये अपना लॉजिक डिजाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करिएगा इसमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है आप कोई भी वर्ड लो और उस वर्ड के कोड निकालते रहो बैठ के ठीक है आप एक घंटा कर देना ऐसा बहुत है आपके लिए ये याद हो जाएंगे तो सिमिलरली अगर मैं अब इन सब को जोड़ दू ठीक है टू प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस टू प्लस थ्री प्लस एट तो ये कितना आएगा थर्टी वन आएगा जोड़ के देख लेना आप ठीक है थर्टी वन आ जाएगा आठ और दो दस हो गए भाई बारह पांच बारह पांच आपका कितना हो गया सत्रह सत्रह तीन बीस हो गए बीस और दस तीस और तीस और टू थर्टी टू ओके सो दिस इज वन this is one a का 1 है ना तो ये 31 आ गए आपके ठीक है सिमिलरली रैट r का कोड कितना है 18 a का कितना कोड है 1 और t का कोड कितना है 20 इन तीनों को ऐड कर लोगे अगेन आपका ये आ जाएगा 39 तो इसमें क्या लॉजिक है आपका लॉजिक सिंपल दिख रहा है इसके अंदर कि सारे के सारे जो ये कोड्स हैं इनको ऐड कर दिया उठा के तो पैरेट का भी ऐसे ही कर लेंगे हम पी का कोड कितना होता है भाई 16 होता है ए का 1 होता है आर का कितना होता है 18 होता है इसका कितना होता है आर का अगेन 18 होता है ओ का कितना होता है ओ इज ज्योति के अंदर याद रखेंगे 15 होता है और टी का कितना होता है 20 होता है इन सबको उठा के हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा अब ओ में देखो जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन हो आपको लिखना भी पड़ सकता है यू नीड टू राइट इट डाउन सो अगेन यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिस कि आप सिर्फ ऑप्शन पे निर्भर नहीं रहेंगे आपको निकालना भी आना चाहिए ओके okay? ठीक है अगला टाइप देखते हैं आप सिमिलर है लेकिन इसमें भी सब टाइप कह लो आप सेम क्वेश्चन ब्लीच को कोड करा वन वन टू फाइव वन थ्री एट अब भाई इसमें क्या करा इन्होंने रैट को कोड किया वन एट वन टू जीरो तो इसमें अगर मैं सही से देखूं तो इन्होंने करा क्या है हा क्या करा है इन्होंने सो so, सॉरी uh, ये टू होना चाहिए ठीक है ये टू होना चाहिए बच्चों क्योंकि बी है ब्लीच है तो यहां पे टू आना चाहिए तो ये एरर uh, है शायद क्वेश्चन को फ्रेमिंग में सो so, बी का टू एल का ट्वेल्व ई e का फाइव ए का वन सी का थ्री और एच का एट ये ऐसे ही इन्होंने सीरीज में लिख डाले आर ए टी आर में आर का 18, ए का वन और टी का ट्वेंटी ये सीरीज में लिख डाले तो अब पैरट को बोल दिया पैरट को कैसे कोड करना है तो अगेन आप सबको सीरीज में लिख दो जो हमने पिछली बार लिखे थे वो आपका आंसर आ जाएगा गेटिंग द पॉइंट ऑलराइट राइट सो इसी के अब थर्ड टाइप में आ जाते हैं ठीक है इसी के अब एक और थर्ड सब टाइप में आ जाते हैं सेम क्वेश्चन है अब ब्लीच को उसने कैसे कोड किया उसने कोड लिखा अगेन सो आई एम सॉरी अगेन यहां पे भी टू आना चाहिए ठीक है उसने यहां पे लिखा टू थ्री फाइव वन थ्री एट ये उसने कोड लिखा तो टू थ्री फाइव वन थ्री एट जब उसने कोड लिखा तो अब हमें देखना है क्या इसने सीधे सीधे लिख दिया तो बी को लिखा टू एल का बारह आना चाहिए था लेकिन इसने थ्री लिखा ठीक है तो अभी हम ये नोट करके चलेंगे एल क्या है बारह है ई कितना है पांच है ए कितना है वन है और सी थ्री है और एच कितना है एट है बी कितना है टू है अब इसमें देखो बच्चों फाइव वन थ्री एट और टू ये तो सब मुझे दिख रहे हैं लेकिन ये जो एल है इसका कोड यहां पे थ्री दिख रहा है जबकि हमने तो याद करा था बारह तो इसने क्या लॉजिक लगाया तो जो भी दो डिजिट का हुआ उसको इसने शायद हो सकता है कि ये दोनों जोड़ दिए और टू प्लस वन बना दिया क्या थ्री तो ये लॉजिक हो सकता है इसे हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे आर ए टी से आर का कोड क्या होता है बच्चों अठारह अब अट्ठारह को अगर मैं वन प्लस एट कर दू तो कितना हो जाएगा नाइन तो क्या ये नाइन आ रहा है यस दिस इज माई लॉजिक खत्म कहानी आपको पैरट में भी वैसे यही करना है ठीक है पी का क्या होता है सोलह होता है तो सिक्स प्लस वन इज सेवन तो इसका सेवन से आपका शुरू होगा ए इज वन ठीक है तो सिंगल डिजिट है आर फिर 18 आ जाएगा है ना अठारह एट प्लस वन नाइन तो ये नाइन नाइन हो गया ओ क्या होता है पंद्रह होता है फाइव प्लस वन सिक्स और टी ट्वेंटी होता है तो 2 प्लस 0 2. ये आपका आंसर आ गया सेवन वन नाइन नाइन सिक्स टू राइट right? सो so, इस तरीके से हमें ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अभी तक अच्छा लग रहा है मजा आ रहा है तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और फॉलो करिए आप लोग ओके okay, अगले टाइप का क्वेश्चन अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखो बहुत अच्छे ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर अब मैं कुछ अलग सी एक अच्छी बात करने वाला हूं यह होता है क्वेश्चन जब आपको ऐसा आ जाए इफ एज इक्वल टू जेड बी इज इक्वल टू वाई सीवल टू एक्स यानी इसने बोल दिया आपको कि ए क्या है जेड है बी क्या है वाई है और सी क्या है एक्स है एंड सो ऑन मतलब कि और ऐसे चलता रहेगा तो इन्हें हम बोलते हैं ऑपोजिट लेटर्स ऑपोजिट लेटर्स मतलब जो पहला लेटर है आपकी वर्णमाला में जो आपके अल्फाबेट्स में फर्स्ट लेटर है वो लास्ट के इक्वेलेंट कर दिया सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट के थर्ड लेटर थर्ड लास्ट के एंड सो ऑन ठीक है अब इसको अगर वैसे याद रखोगे तो ए का तो पता चल जाएगा बी का याद रह जाएगा सी का याद रहेगा लेकिन रैंडमली कोई पूछ ले आपसे क्यू का क्या है

कोड 19 27 में से 19 माइनस करना है मेरे को 27 में से क्या करना है 19 माइनस करना है कितना आएगा 8 आएगा और 8 मुझे पता है क्या होता है एच एच का पूछे तो एच का एस आ जाएगा कैसे आ जाएगा एच का कोड क्या होता है एट होता है सत्ताईस में से मुझे माइनस करना है एट तो कितना आ जाता है बच्चों उन्नीस एन उन्नीस इज वॉट एस तो दिस इज हाउ टू डू द क्वेश्चन ऑफ ऑपोजिट लेटर्स तो अब ये पूछा है स्टूडेंट है ना अब स्टूडेंट क्या है एस उन्नीस टी ट्वेंटी यू ट्वेंटी वन डी फोर ई फाइव एन फोर्टीन नवंबर फोर्टीन से और टी ट्वेंटी अब मुझे इनको बस सत्ताईस सत्ताईस से माइनस करना है ठीक है अभी देखा मैंने एस का क्या था एच था तो उन्नीस सत्ताईस में से उन्नीस माइनस करोगे आठ आएगा क्या बन जाएगा ये एट बन जाएगा सत्ताईस में से माइनस करोगे इतना बन जाएगा सेवन सत्ताईस में से माइनस करोगे सिक्स सत्ताइस में से चार माइनस करोगे इतना आएगा 23, 27 में से पांच माइनस करोगे कितना आएगा? आंसर क्या हो जाएगा एच हो जाएगा ठीक है सेवन तो का आंसर क्या हो जाएगा, जाएगा सेवन क्या होता है जी है ना जी से बनाते हैं हम सिमिलरली आपका इसमें आंसर आ जाएगा गेटिंग द पॉइंट इजी है चीजें आपको बस क्या करना है कोड्स याद करने हैं कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बच्चे सोचते हैं ये कोड के झंझट में कौन पड़ेगा बट बिलीव मी गाइज ये कोड्स आप अगर अभी याद कर लोगे आपके आगे तक की लाइफ में काम आने वाले हैं ठीक है ओके नेक्स्ट ऑपोजिट लेटर का एक और सवाल इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं जहां पे उसने बोला इफ एनडीए कोडेड एज एम डब्ल्यू जेड अब इसमें इसने बताया नहीं कि ऑपोजिट लेटर का क्वेश्चन है लेकिन आपको देखना पड़ेगा कैसे आप देखो एन का कोड क्या है एन का कोड क्या है बिचे फोर्टीन होता है डी का कोड होता है फोर और ए का कोड होता है वन और यहां पे अगर मैं लिखूंगा एम का कोड क्या होता है थर्टीन होता है w का ट्वेंटी थ्री होता, होता है और जेड का कोड क्या होता है ट्वेंटी सिक्स होता है ठीक है अब यहां पे कोई मुझे रिलेशन समझ नहीं आ रहा अगर मैं चलू फोर्टीन से थर्टीन बना एक कम हुआ फोर से ट्वेंटी थ्री बना ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो गया वन से ट्वेंटी सिक्स बन गया

एम का कोड क्या होता है बच्चों थर्टीन ई का कोड क्या होता है फाइव डी का कोड क्या होता है फोर आई का कोड क्या होता है नाइन सी का कोड थ्री ए का कोड वन और एल का कोड ट्वेल्व और इसका ऑपोजिट मुझे बताना है सत्ताईस में से तेरह माइनस करा कितना आया चौदह पांच सताइस में से पांच माइनस करा कितना आया बाईस सत्ताईस में से चार माइनस करा कितना आया तेईस सत्ताईस में से नौ माइनस करा मैंने तो कितना आया अठारह सत्ताईस में से तीन माइनस करा मैंने तो कितना आया ट्वेंटी फोर सत्ताईस में से एक माइनस करा छब्बीस और सत्ताइस में से बारह माइनस करेंगे जब तो क्या आएगा आ जाएगा आपका 15. बस इसके कोरिस्पॉडिंग मुझे लिख देने हैं 14. 22 22 ठीक है याद आ गया होगा. 23 is what, y, uh, नहीं w, 18 is what, R, 24, is what, 24 बताया था मैंने एक्स दो डंडे और चार पॉइंट्स 26 सिक्स इज वॉट जेड एंड 15 इज वॉट 15 इज योर जे ओ टी वाई ठीक है ओ। तो ये मेरा इसका कोड हो गया गेटिंग द पॉइंट ठीक है बच्चों अब आगे देखते हैं अब कई बार आपके एनालॉजी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बट वो होते कोडिंग डिकोडिंग पे ही है जिसमें वो अब आप आपको बोल देगा इफ चाइना इज कोडेड एज ए एफ के एल सी तो इंडिया का कोड क्या होगा तो इसमें घबराना नहीं है इसमें भी वही लॉजिक लगना है आपको करना क्या है आपको अगेन इनके कोड याद रख के कोड्स लिखने हैं सी का 3 एच का 8 आई का 9 और सिबिल यहां पे लिखना है ए का 1 एफ का 6 के का इलेवन एंड सो ऑन और इनमें अंतर देख लोगे ठीक है सो तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ठीक है एल हमने बताया कितना होता है के का इलेवन एल का ट्वेल्व और सी का कितना थ्री ठीक है तो अब इनको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं तीन आठ नौ फोर्टीन और वन ठीक है ये तो कोड्स थे हमारे चाइना के और जो बन गए वो क्या बने ये ए एफ के एल सी वन सिक्स इलेवन ट्री ठीक है बन गए अब इसमें लॉजिक देखना है तीन बना वन कितना हुआ माइनस टू आठ बना छे कितना हुआ माइनस टू नौ बना ग्यारह प्लस हो गया भाई ये तो कोई बात नहीं प्लस टू लिख दिया एक बना चौदह बना बारह ठीक है माइनस टू हो गया एक बना तीन क्या हो गया प्लस टू हो गया अब क्या होना चाहिए इसका कोड इंडिया का कोड क्या होना चाहिए अब देखो इसमें कुछ ऑब्जर्व करने वाली चीजें हैं देखो जब पैटर्न कोई होता है तो पैटर्न होता है सिमिलर यानी एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस ऐसा होता तो पैटर्न समझ आता लेकिन यहां दो माइनस थे फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ ये कोई पैटर्न नहीं है ना साइड पैटर्न नहीं है कुछ तो और कुछ भी हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है प्लस किस लेटर्स में हो रहा है ये देखेंगे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो प्लस किस में हो रहा है सी एच आई आई एन ए प्लस हुआ एक आई में और प्लस हुआ एक किस में ए में और आप सभी लोगों को पता होगा आई और ए क्या होते हैं वर्वल्स होते हैं बाकी सब कॉन्सनेट्स यानी जब भी वर्वल आएगा उसमें प्लस टू होगा बाकी कॉन्सनेट में माइनस टू होगा और ये लॉजिक जहां आपको समझ आया क्वेश्चन सही हो गया अब मुझे इंडिया का बताना है सो आई एन डी आई अब इंडिया क्या है इंडिया के कोड्स लिख लेंगे नाइन फोर्टीन फोर नाइन वन नाइन ये इंडिया है ठीक है ना आई एन डी आई ए इसको मुझे अब क्या करना है इसमें वॉवल्स सर्कल कर लेंगे वॉवल्स क्या क्या है आई है ठीक है और A है ये सारे क्या है वॉबल्स इनमें क्या होगा प्लस होगा तो नौ का बन गया ग्यारह का बन 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 गया ये बन गया 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 ये 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 क्या होगा होगा ये कितना बन गया? दो, ये भी कितना भी ठीक है बारह और दो बस इनके आपको आंसर्स लिख देना पंजाब ट्वेल्व इज वॉट एल टू इज वॉट बी इलेवन इज वॉट एल थ्री इज वॉट सी और लास्ट में है ना K, दिस इज आंसर होप यू आर गेटिंग इट अब तक मजा आ रहा होगा इन सबको सॉल्व करने में अगला सवाल अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कई बार आ सकते हैं जिसके अंदर क्या होगा क्वेश्चन पढ़ो पहले इन अ सीक्वेंस स्पेसिफिक कोड लैंग्वेज लेटर्स आर कोडेड एज डिजिट्स ठीक है पहले बता दिया इसने सीक्वेंस ऑफ द डिजिट्स मे नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ द लेटर्स अब यहां गौर करने वाली बात क्या है एक तरह के क्वेश्चन अभी हमने पीछे देखे थे जिसके अंदर क्या हो रहा था जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि वहां से हम देखेंगे कि भाई एक जो वर्ड हमें डॉट का आंसर निकालना है वो उन वर्ड से बन रहा है कि नहीं बन रहा है जो उससे पहले दिए हैं ठीक है लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो लेटर्स है जैसे गॉड इज कोडेड एज टू फोर थ्री तो मैंने बोला जी का कोड टू है ओ का कोड फोर है डी का कोड थ्री है बट इसने यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशन कर दिया सीक्वेंस ऑफ द डिजिट्स मे नॉट बी द सेम ऑफ द लेटर्स यानी कोड वो सीक्वेंस में नहीं है भाई अपने आप ढूंढ निकालो अब इसमें कैसे करना है मुझे अब इसमें कॉमन लेटर्स दिखाने हैं पहले जो कोड्स दिए हैं उनसे तो पहले जैसे गॉड दिया है ठीक है सो इसमें करना क्या है गॉड का कोड दिया है टू फोर थ्री डैम का कोड दिया है वन थ्री फाइव पहले इन दोनों को देखते हैं गॉड और डैम में कॉमन है कुछ यस yes. डी एक लेटर कॉमन है और टू फोर थ्री और वन थ्री फाइव में कॉमन है कुछ यस थ्री कॉमन है तो इसका मतलब डी का कोड क्या है थ्री है ये मुझे पता चल गया चल गया ना अब डैम और ओट में देखेंगे ठीक है डैम और ओट में लेटर कॉमन है कुछ यस कौन सा लेटर कॉमन है ए कॉमन है दिख रहा है ना और वन थ्री फाइव और सेवन टू वन में कुछ कॉमन दिख रहा है यस वन कॉमन दिख रहा है तो यानी ए का कोड क्या है ए का कोड है वन इस तरीके से मुझे पता चल गया अब हम सिर्फ उतना देखेंगे जितना हमारा रिक्वायर्ड है डी ओ टी ये ए और डी तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया डी हमें चाहिए तो डी का कोड क्या आ गया थ्री अब हमें चाहिए ओ का कोड तो इन तीनों में से किसके जोड़े में हमें ओ का कोड मिलेगा अगर मैं गॉड और ओट देखूं ठीक है गॉड और ओट तो इन दोनों में क्या कॉमन है ओ कॉमन है बच्चों और गॉड का कोड है कितना टू फोर थ्री टू फोर थ्री और सेवन टू, टू वन में क्या कॉमन है टू कॉमन है इसका मतलब मुझे पता चल गया कि जो ओ है उसका कोड क्या है टू है तो मुझे ओ का कोड भी पता चल गया टू अब मुझे किसका कोड पता लगाना है टी का कोड पता लगाना है ठीक है अब मुझे ओ का कोड पता है ए का कोड पता है ठीक है ना ओ का कोड क्या है अभी निकाला हमने तो 2 को क्रॉस कर दिया ए का कोड क्या है वन वन को क्रॉस कर दिया बचा क्या सेवन तो टी का कोड क्या हो गया सेवन हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा थ्री टू सेवन ठीक है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन तो ये हमारा एक और टाइप का क्वेश्चन था जो हमने अभी देखा होप यू आर इंजॉइंग इट होप यू आर गेटिंग इट जो अभी तक हम कर रहे हैं ठीक है so, ये क्वेश्चन हमारा आ गया, again, type 7. So, इसको again आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो आई कैन गिव यू पीडीएफ जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू जय हिंद